एमपी के गुना जिले में हुआ दर्दनाक हादसा। गुना से आरोन जा रही बस में लगी भीषण आग, 12 यात्री जिंदा जले, 14 झुलसे। गुना हादसे के बाद एक्शन में परिवहन विभाग, शुरू हुई बसों की फिटनेस जांच। सीएम के आदेश के बाद नियमित रूप से होगी बसों की जांच। एमपी में अब हुक्का पिलाना अपराध, लंबे इंतजार के बाद हुक्का लॉन्च को लेकर अधिसूचना जारी। 3 साल की सजा और 1 लाख का लगेगा जुर्माना। सागर में वहशी हुआ सगा भाई, बड़े भाई की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, पड़ोसी की फूंक दी बाइक, आरोपी गिरफ्तार। कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से दिया इस्तीफा। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिलकर सौंपा इस्तीफा, अब एमपी की राजनीति में रहेंगे एक्टिव। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे उज्जैन, महाकाल की भस्म आरती में हुए शामिल, प्रदेश में खुशहाली की कामना की। मोहन कैबिनेट में नहीं मिली पूर्व मंत्री अजय विश्नोई को जगह, अब बोले लोकसभा चुनाव में 50 साल से कम उम्र के व्यक्ति को मिलना चाहिए मौका। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार जबलपुर पहुंचे राकेश सिंह, कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से बरसाए फूल, स्वागत के चलते जाम में फंसी रही कई एम्बुलेंस। मध्य प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे की वजह से लोग परेशान, अगले 2 दिनों में हो सकती है कई जिलों में झमाझम बारिश, तापमान में भी होगी गिरावट। नए साल में एमपी के सरकारी कर्मचारियों की रहेगी बल्ले बल्ले, आने वाले साल में 131 दिन का मिलेगा अवकाश, हर महीने औसतन 10 से 11 दिनों की छुट्टी।